हाई एवरी वन वेलकम टू जी केमस्ट्री सो दिस रिक्रूटमेंट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स साइंटिस्ट कहाँ पर है विक्रम ए सारा भाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद तो ये वाली रिक्रूटमेंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं लेकिन और भी 2019 में जितनी वैकेंसीज आई हैं जितने, है, जितने रिक्रूटमेंट मैंने आपको वीडियोस के थ्रू बताई हैं सबका लिंक प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो सारे वीडियोस के थम नियस पर उनकी लास्ट डेट लिखती हूँ मैं तो जो अभी लास्ट डेट इनकी अभी मतलब आई नहीं है जो सेप्टेम्बर में लास्ट डेट है या फिर अगस्त में अभी लास्ट डेट्स हैं तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो उन वैकेंसीज़ को उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो से तो यहाँ पर क्या है जो ये सेंटर है विक्रम ए सारा भाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में है और ये पोस्टिंग भी बोला हुआ है कि अहमदाबाद में ही आएगी तो ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इनोवेटिव साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन और इनका जो मेन मोटिव रहता है इज़ टू इम्प्रूव एंड फाइंड इनोवेटिव मैथर्ड्स ऑफ साइंस एजुकेशन अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए इनके प्रोग्राम्स के बारे में तो आप विजिट कर सकते हो इनकी वेबसाइट जो मैंने ये रेड कलर से ये अंडरलाइन किया है डब्ल्यू तो यहाँ पर आपको इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और जो ये पी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं सो दिस इंस्टीट्यूट इज़ लुकिंग फॉर प्रोग्राम ऑफिसर्स साइंटिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स हु आर यंग एंथियाटिकविंग साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड अ डीप इंटरेस्ट इन इनोवेटिव एजुकेशन तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनकी जो ड्यूटीज़ रहेंगी जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तो आप नीचे रीड आउट कर सकते हो बट उससे पहले ये है द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट द सेड रोल विद वेरी लिटिल सुपरविजन ठीक है तो ये सब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो बाद में देखेंगे लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन तो सबसे पहले प्रोग्राम ऑफिसर्स साइंटिस्ट बी जो ये साइंटिस्ट बी वाली पोस्ट है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स और इक्वलेंट मतलब क्या है अगर आपने एम जैसे आप ओबियसली केमिस्ट्री वाली होगी देख रहे हो जो वैकेंसीज को तो आपकी एम होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट डिविजन से चाहिए अबव सिक्सटी परसेंट और अबव सिक्सटी परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए और जो आपको कॉन्सोलीटेड स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी दैट विल भी थर्टी पर मंथ ओके सो दिस इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी और जो साइंटिस्ट सी की पोस्ट है प्रोग्राम ऑफिसर्स साइंटिस्ट सी इनके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइंस एंड मिनिमम फाइव ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो साइंटिस्ट सी के लिए तो आपको एमएससी के बाद पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपकी पी डिग्री आपके पास होनी चाहिए प्रेफरेबली इन साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ठीक है इन सब में होनी चाहिए इसमें जो इस वाले केस में जब आपके पास एक्सपीरियंस है फाइव ईयर्स का या फिर आपके पास पी एच डी की डिग्री है तो आपको मिलेगी कॉन्सोलीटेड स्टार्टिंग सैलरी फोर्टी टू थाउजेंड पर मंथ जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा इनका द पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ टीम एज वेल एज इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्लूड द फॉलोइंग तो जो रिस्पॉसिबिलिटी आपके आएंगे जॉब्स के साथ वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है कुछ को मैंने हाईलाइट किया है आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिल करने के लिए तो यहाँ पर है कंडक्टिंग साइंस और मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड पॉपुलराइजिंग पॉपुलराइजेशन ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स लैब्स फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स तो इस तरह का कुछ रोल रहेगा आपका स्किल्स रिक्वायर्ड एक बार इसको ध्यान से देख लेना इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एबिलिटी टू मैनेज एंड कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एबिलिटी टू इफेक्टिवली हैंडल स्टूडेंट्स और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कम्फर्ट विद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज़ अ मस्ट तो इसको एक बार ये देख लेना फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज़ अ मस्ट शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ गुजराती एंड हिंदी ये भी आपको कंसीडर करना है वर्किंग नॉलेज ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेजेस अदर देन दिस थ्री दिस थ्री मतलब इंग्लिश गुजराती एंड हिंदी अगर इनके अलावा आपको कोई किसी और इंडियन लैंग्वेज की कोई नॉलेज है तो दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है और जो पोजिशन position है पोजिशन आर बेस्ड एट अहमदाबाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है परमानेंट नहीं है इन्होंने लिखा हुआ है इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स तो स्टार्टिंग में आपको थ्री ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये पोजिशन मिलेगी उसके बाद वो एक्सटेंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशंस आर बेस्ड एट अहमदाबाद तो पोस्टिंग तो अहमदाबाद में आएगी बट द वर्क वुड इन्वॉल्व ट्रैवल एंड द कैंडिडेट्स शुड बी विलिंग टू ट्रैवल एज रिक्वायर्ड तो हो सकता है जिस तरह का काम है आपने देखा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इनमें आपको क्या हो सकता है ट्रैवलिंग की मतलब नीड हो सकती है तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी आपको देख लेना आप उसके बाद द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग कम्प्लीटेड एप्लीकेशन इज सिक्स सेप्टेम्बर टू तो लास्ट डेट जो है वो सिक्स सेप्टेम्बर है अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है तो सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट इन केस यू आर अनेबल टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट सेंड अ रिक्वेस्ट टू आपको ये एक मेल आईडी दी हुई है अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्मेट जो डाउनलोड नहीं होता है अगर आपको कोई भी मतलब क्वेरी रहती है तो आपको इस जो ये मेल आईडी डी यहाँ पर गिवन है आपको इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड तो जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे इनको रीड आउट करके जिन जिनको लगेगा उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उनको कॉन्टैक्ट करेंगे उसके बाद सेलेक्शन के लिए इंटरव्यू होगा या जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपका मेल आई डी के थ्रू ही होगा तो यहाँ पे प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन बाय ईमेल टू आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको भी दिखा दूंगी अभी वो पीडीएफ फॉर्म में तो आपको क्या करना है उसको फिल करके इनकी जो ये मेल आईडी है इस पर आपको फॉरवर्ड करना है और जो वेबसाइट है यहाँ पे लिखी हुई है वहां पे जाके आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो अब मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ इसका तो यहाँ पर है ये एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म तो इसको आपको क्या करना है एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना एक बार उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है और इनको मेल कर देना है जो आईडी डी यहाँ पे मैंशन करी हुई है तो डिटेल्स एकदम ध्यान से लिखना उसके पहले ना यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ़ योर एप्लीकेशन यू आर इन्वाइटेड टू एन इंटरव्यू और एनी काइंड ऑफ सेलेक्शन प्रोसीजर द मटेरियल इन दिस फॉर्म विल बी यूज एज अ बेसिस फॉर डिस्कशन बिटवीन यू एंड हु एवर मीट्स यू मतलब जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसके बेसिस पर ही जो भी आगे फर्दर कम्यूनिकेशन होगी अगर आपका इंटरव्यू भी होता है तो जो भी बंदा आपको इंटरव्यू कर रहा है मतलब ले रहा है आपका तो वो इस फॉर्म के बेसिस पर ही आपको जज करेगा इसलिए कोई भी मिस्टेक मत करना है इसमें फिल करते टाइम तो थोड़ा ध्यान से फिल करना है ठीक है तो ये सारी डिटेल्स आपको ब कर देनी है फिल और जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बार फिर से बता देती हूँ जितनी भी रिक्रूटमेंट मैंने अभी तक बताई है अभी जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाली रात को ही अपलोड करी थी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो एक बार ये चेक जरूर कर लेना सारे रिक्रूटमेंट्स जिन भी नहीं गई है तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग